अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूर्व मंत्री व विधायक नैना देवी विधानसभा क्षेत्र रामलाल ठाकुर ने पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सेना के जाबाजों की शहादत पर केंद्र सरकार चीन पर कार्रवाई करने से क्यों घबरा रही है। रामलाल ठाकुर ने बहुत ही संजीदा प्रश्न खड़ा करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार जिस तरह से पॉइंट 14 को लेकर के चीनी सेनाओं को कभी आगे तो कभी पीछे बताकर दर्शा रही है, आधिकारिक रूप से क्यों गलवान घाटी और उन 15 पॉइंट के बारे में वस्तु स्थिति नहीं बताती है जहां पर टेंशन बनी हुई है। रामलाल ठाकुर ने केंद्र सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि 56 इंच का सीना अब कहां है। रामलाल ठाकुर ने देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री व रक्षा मंत्री को कटघरे में खड़े करते हुए पूछा है कि देश के उन 20 जवानों की शहादत का बदला कब लिया जाएगा। रामलाल ठाकुर ने कहा कि ये प्रश्न देश की गरिमा के साथ जुड़ा हुआ है और भारतवर्ष में हर नागरिक केंद्र की सरकार से पूछना चाह रहा है कि कब वह समय आएगा जब भारत की माताओं के कलेजे में ठंडक पड़ेगी जिन्होंने अपने 20 जवान गंवाए हैं। रामलाल ठाकुर ने देश की विदेश नीति को भी असफल बताया और उन्होंने कहा कि ये कूटनीति की बहुत बड़ी भूल है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री विदेशी यात्राएं सिर्फ अपनी ऐशो आराम के लिए ही करते रहे और देश के लोगों को ये बोल के बरगलाते रहते हैं कि मैं देश की विदेश नीति और कूटनीति को सुदृढ़ कर रहा हूं। रामलाल ठाकुर ने ये भी प्रश्न उठाया कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच चीनी शहर वुहान में 27 और 28 अप्रैल 2018 को एक अनौपचारिक बैठक हुई थी तो उसमें किन विषयों पर बातचीत हुई थी ये भी सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसके अलावा अभी पिछले वर्ष 11 अक्टूबर 2019 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत आए थे और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनौपचारिक बैठक हुई थी तो इस बातचीत को पीएमओ और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भारत चीन की सीमाओं की सुरक्षा हेतु बहुत सफल बातचीत करार दिया था। तो रामलाल ठाकुर ने कहा कि अगर ये सीमाओं को लेकर सफल बातचीत थी तो हमारे 20 जवानों की शहादत क्यों हुई। रामलाल ठाकुर ने कहा कि केंद्र की सरकार तो चाहती है कि उन नाकामियों पर पर्दा पड़ा रहे और विपक्ष कुछ बोले ही नहीं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अब जब चीन पर केंद्र सरकार की नाकामी सामने आई तो कुछ चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाकर क्या हमारे उन जवानों की शहादत का बदला ले लिया गया। रामलाल ठाकुर ने कहा कि चीनी मोबाइल और चीनी इलेक्ट्रॉनिक सामान अब भी धड़ल्ले से देश के छोटे छोटे कस्बों में बिक रहा है लेकिन केंद्र की सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अब क्यों नहीं आरएसएस व उनके तथाकथित सहयोगी संगठन चीनी सामानों के विरुद्ध लामबंद हो पा रहे हैं। क्या इन संगठनों ने भाजपा की केंद्र सरकार को चीनी मसले पर अपनी सहमति दे दी है। यदि ऐसा नहीं है तो क्यों भाजपा की केंद्र सरकार के विरुद्ध ये तथाकथित स्वदेशी कहलाने वाले संगठन खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कुछ तो इन संगठनों प्रांसकिकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा क्यों भाजपा और उसकी सहयोगी संस्थाएं देशभक्ति का झूठा लवादा ओढ़े हुए हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि देश के वीर योद्धाओं की शहादत बेकार नहीं जा सकती। वर्तमान केंद्र सरकार न सही तो भविष्य में आने वाली सरकारें चीन को जवाब अवश्य देंगी और वर्तमान सरकार की तरह अपने हाथ पांव फुलाकर नहीं बैठेंगी। जिनके सोचने पे बाध्य होना पड़ रहा है कि आने वाला कल कैसा होगा और आने वाला कल जो है वो क्या परिणाम लेके आएगा, ऊंट किस करवट बैठता है, ये आने वाला भविष्य बताएगा। अभी पीछे है जब चीन और भारतवर्ष के सैनिकों के बीच में जब झड़प हुई थी तो उसमें ऐसा लगा था कि भारतवर्ष अपने 20 शहीदों का जो है वो बदला लेगा और हमेशा प्रधानमंत्री जी और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, वो हमेशा ये बात करते थे कि जो सैनिक है उनका बलिदान जो है वो बिल्कुल जो है वो असफल नहीं जाएगा और उन जो शहीदों का बलिदान है वो कुछ परिणाम लेके आएगा। लेकिन आज की तारीख में अगर देखा जाए तो पीछे दो बार भारतवर्ष में चीन के जो है राष्ट्रपति यहाँ पे आए और दोनों बार जो है ये कहा गया था कि हमारी कूटनीति जो है वो परिणाम लेके आएगी,
और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आज इतना समय हो गया है, ऐसा लगता है कि भारतवर्ष के पास अब कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तुरंत उसके बाद ये कोशिश की गई कि चीन में बनी हुई जो वस्तुएं हैं वो भारतवर्ष में नहीं बिकेगी, लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक के और जो दूसरे सामान है वो धड़ल्ले से हिंदुस्तान के अंदर जो है वो बिक रहे हैं। इसलिए लगता ये है कि हम कह तो देते हैं लेकिन उसके बाद उसके ऊपर अमल नहीं होता। और जहाँ तक सुरक्षा की बात है, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज भारतवर्ष जो है वो घेरे में फंस गया है। इसलिए फंस गया, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि चीन जो है वो नेपाल में बैठ गया, चीन जो है वो आज पाकिस्तान के अंदर बैठ गया, और साथ साथ में मैं कहना चाहूँगा कि एक बड़ा जो है वो खतरा हिंदुस्तान के लिए पैदा हुआ है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, भारतवर्ष के हमारे प्रधानमंत्री हैं उनसे मेरा निवेदन है कि हम हल्के में ना लें इन चीज़ों को, और जो चाइना शुरू से करता आया है, याद दिलाना चाहूँगा पहले हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाते थे, और उसमें क्या हुआ कि उसमें हमने जो है वो चीन के साथ बहुत बड़ा जो है वो विवाद खड़ा हुआ था, कितने सैनिक हमारे जो है वो शहीद हो गए थे। लेकिन आज पुनः ये पुराने समय की याद आती है कि चाइना जिस ढंग से कर रहा है और जिस ढंग से हर चीज़ पे धोखा दे रहा है, उसके ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो चाइना की तरफ से जिस प्रकार की जो है वो कार्रवाई हो रही है, अंदर ही अंदर जो है वो चाइना जिस प्रकार से लड़ाई करने के मूड में है, उससे लगता है कि हम लोगों को उसके बारे में सोचना चाहिए। अमेरिका से संबंध जो है वो ठीक किए हैं लेकिन रशिया से भी तो बिगाड़े हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और जो हमारी पुराना इतिहास है जिसमें हम कहते थे कि नॉन लैंड कंट्री की जो मूवमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय से चली, इंदिरा गांधी जी ने जिसको जो है वो आगे बढ़ाया था, आज वो जो नॉन लैंड कंट्री की मूवमेंट थी हम उससे पीछे हट के आज हम अमेरिका के साथ चले हैं। हम ये कितना उनके साथ दोस्ती जो है वो कितना जो है वो परिणाम लेके आएगी, ये मैं कहूँगा। बहुत सारे ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह हैं जिनको हम लोगों को सोचना चाहिए। सेना हमारी मुल्क के लिए तैयार रहती है, सैनिक जब सेना में नौजवान भर्ती होता है तो मुल्क के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए होता है, लेकिन जो राजनीतिज्ञ हैं या जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनको उसके लिए मैं कहूँगा कि वातावरण ऐसा पैदा होना चाहिए ताकि हमारे जो सैनिक हैं उनकी जो है वो जो जो उनकी जो कुर्बानी है उसको हम कुर्बानी कह के न टाल दें, और उनकी जान की हिफाजत करना, ये भी मैं कहूँगा कि सरकार में जो गवर्नमेंट्स बैठी हैं उनकी जिम्मेवारी बनती है।